स्टार्टिंग से ही क्रेज था कि ड्राइंग करनी है। स्कूल टाइम से ही और जो स्कूल के और जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके जैसे ड्राइंग वगैरह करनी तो यार मजीद कर दे ये ड्राइंग, तो इस तरह होता था। और धीरे 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 और क्रेज़ बढ़ गया जब जो स्कूल के सर हैं वो अभी क्या ड्राइंग की है, तो और क्रेज़ बढ़ गया। स्कूल के बाद फिर मैंने कहा कि इसी प्रोफेशन में चलते हैं। उसके बाद मैंने 92 में फिल्म लाइन के बोर्ड होते हैं जो पहले हाथ से बनते थे, तो मैं कहा यहाँ ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ सीखनी है। तो फिर मैं 92 में यहाँ अपना ISBT के पास फिल्म लाइन के स्टूडियो होते थे तो मैं वहाँ गया सीखने। तो 92 से लेके 97-98 तक मैंने फिल्म के बोर्ड बनाए, बहुत मज़ा आया। और यानी आर्टिस्ट लाइन में अगर आर्टिस्ट बनना है तो उसके जैसी लाइन कोई नहीं है, अपने मर्जी से जैसा मर्जी कलर लगाओ, जो मर्जी करो। आज ये मूवी आई है शाहरुख खान की, तो यही होता था कि यार सुबह जाके ना शाहरुख खान में यहाँ से लाइट मारेंगे, यहाँ से डार्क करेंगे, यहाँ से येलो कलर लगाएंगे, तो यानी अपना फ्रीडम थी वहाँ। फिर 2000 में जब वो लाइन बिल्कुल बंद हो गई, अपना प्रिंट मीडिया आ गया जब, तो फिर वो लाइन बिल्कुल बंद हो गई। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ग्रैफिटी, वॉल पेंटिंग, रूम को डेकोरेट करना, रूम की एक वॉल को ग्रैफिटी यानी उसकी ग्रैफिटी करनी, या और भी जैसा शोरूम्स हो गए उनका काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद 4-5 साल के बाद मैंने शो आता है मायामी 2007 में मैंने देखा, तो उसमें देखा कि जो आर्टिस्ट टैटू कर रहे हैं, पेंटिंग भी करते हैं और टैटू भी करते हैं, तो मैंने कहा यार अगर ये बंदे पेंटिंग करके टैटू कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो ये सीखा जाए, एक बार करना है ये काम। तो मैं एक दो आर्टिस्ट के पास गया सीखने के लिए, बट उस टाइम ना टैटू आर्टिस्ट होते थे ज़्यादा इंडिया में, और सिखाने के यानी उस टाइम चार्जेस इतने ज़्यादा थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैंने कहा कि अब सीखना तो मैंने खुद ही सीखना है। मैंने मशीन ली और अपने मैं कहा यार अब मशीन तो ले लिया, अब किसके करें, तो अपने रिलेटिव ही हैं तो मैंने उनको बुलाया। मैं कहा चलो यार आज आपका एक ड्रैगन बनाते हैं, तो मेरा फर्स्ट टैटू ड्रैगन है। उस ड्रैगन को देख के मैंने घर से स्टार्ट किया था, तो उस ड्रैगन को देख के इतने बंदे आए मेरे पास, इतने लोग, इतने क्लाइंट आए मेरे पास, एक दो साल में ही यानी काफ़ी फेमस जिसे बोलते हैं काफ़ी फेमस हो गया मंजीत टैटूज़। तो उसके बाद घर में इतनी ज़्यादा क्लाइंटेज इतनी ज़्यादा हो गई कि घर में करना मुश्किल हो गया। फिर मैंने अपना 2010 में अपना स्टूडियो ओपन किया और फिर दो तीन साल मैंने यानी जो जितना दम हो सकता यानी जितना बढ़िया हो सकता उतना मैंने बढ़िया काम किया। और 2015 में मेरा वर्ल्ड के टॉप 100 में नाम आया, बड़ी खुशी हुई उस टाइम, प्राउड फीलिंग हुई बहुत। और गिनीज में भी मेरा नाम आया, मैंने मिस्टर गिनीज ऋषि हैं उनके ऊपर फुल बॉडी के ऊपर फ्लैग किए। स्टार्टिंग में जब मैं
पेंटिंग सीखने के लिए गया फिल्म लाइन के बोर्ड, तो मेरे घर वाले बहुत अगेंस्ट थे कि पेंटिंग पेंटिंग से क्या होगा, क्योंकि जो उस टाइम आर्टिस्ट थे तो लोगों के दिमाग में यही था कि आर्टिस्ट ज़रा नहीं कमा पाते। तो मैं कहा नहीं, मुझे सीखना तो पेंटिंग ही सीखनी है, तो घर वालों के अगेंस्ट जाके मैंने पेंटिंग सीखी। जो बाहर कन्वेंशन है और जो इंडिया की कन्वेंशन है, अब इंडिया में भी स्टार्ट हो चुकी है कन्वेंशन, अच्छी कन्वेंशन हो रही हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा लेवल और ऊपर होना चाहिए, थोड़ा और लेवल अच्छा होना चाहिए। तो मगर जो मैं देख रहा हूँ कि 10 साल पहले जो था और अब बहुत फ़र्क आ गया है, अच्छी अच्छी कन्वेंशन हो रही हैं, तो अच्छा लगता है, जाने में भी अच्छा लगता है और उनमें पार्टिसिपेट करने में भी अच्छा लगता है। टैटू में जो मुझे सबसे अच्छा लगता है पोर्ट्रेट्स या रियलिस्टिक टैटू, क्योंकि पोर्ट्रेट करना इतना ईजी नहीं है। एक किसी की फ़ोटो को बिल्कुल हूबहू वैसे ही उतारना, उसके फेस इम्प्रेशन बिल्कुल सेम देने, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो यानी बहुत मज़ा आता है, जो रियलिस्टिक टैटू करने में बहुत मज़ा आता है। तो यानी अब कुल मिला के यानी बड़ी प्राउड फीलिंग है कि बिना सीखे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है।